हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ अचार ले ली हूँ, अदरक का, नमक ले ली हूँ, जमाइन मंगराइल ले ली हूँ। देख सकते हैं ये सर आटे में मैंने, ये सत्तू है, इसमें मिक्स कर ली हूँ। ये सत्तू है मार्केट से, मैं पैकेट में लाई हुई थी, तो ये मैंने मिक्स कर लिया है। हल्का सा पानी भिगो के रख सकते हैं। यहाँ आटा में रिफाइन मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छे से गूँथूँगी, इस आटे को मिक्स करूँगी आटे में और इसको अच्छे से गूँथूँगी पानी डाल डाल के, जैसे रोटी बनाया जाता है उस तरह से। आप इसको गून लें अच्छे से, आटा को गूनने के बाद, जब ये अच्छे से गुना जाए, उसके बाद गूनने के बाद जो है आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने कर लिया है, जिससे कि ये अच्छे से फूले, फूली फूली और लिट्टियाँ बनकर रेडी हो। कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है, कम कर दिया गैस को। देखिए बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है, जल्दी ही बन जाती है ये सब लिट्टी। और इससे पहले मैं सत्तू पराठा का बनाई थी, अभी मैं लिट्टी का बना रही हूँ। तो देख सकते हैं इस तरह से लिट्टी बनता है, जो जितनी बनानी है आपको उतना आप इसमें भर लें। इस तरह से भरना होता है, अंदर इसमें सत्तू भर दिया, और इसमें अगर आप धनिया पत्ता डाल सकते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, डाल सकते हैं। और ये बिना लहसुन प्याज का मैं बना रही हूँ, ये बिना लहसुन प्याज वाला लिट्टी है। तो एक बार दिखाऊंगी मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, उसमें लहसुन प्याज वाला मैं बनाऊँगी। तो अभी मैं बिना लहसुन का ही बना रही हूँ। देख सकते हैं इस तरह से रख लिया मैंने बनाकर, और भी तैयार कर लेती हूँ। फिर इसको छानने में आसानी होगी, तेल में जल्दी फटाफट निकल जाती है। देख सकते हैं इस तरह से मोड़ना होता है इसमें भर भर के। तैयार हो गया है, अब यहाँ देखिए मैं गैस को तेज कर दी हूँ, ये रिफाइन अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें मैं लिट्टी डालूंगी, गरम होने देते हैं। जब ये गरम हो जाएगा तो इसमें मैं लिट्टी डालूंगी। अब देखिए ये चकला है जिस पे रोटी बेलते हैं, उस पे थोड़ा सा तेल डाल के मैं इस ये बनाई हुई को मैं थोड़ा थोड़ा वो कर रही हूँ, जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाए सभी जगह, सत्तू इसमें भरा हुआ जो है इस तरह से। अंदर में हल्का सा तेल या रिफाइन कुछ भी लगा के आप कर सकते हैं, जिससे ये चिपके ना, चिपके नहीं। इस तरह से बना के रख लूँगी। देख सकते हैं आप, अब जो है बड़े ही अच्छे से बन जाएगा, ये लिट्टी बनकर तैयार होगी। इसमें आटा नहीं लगाना, सूखा आटा नहीं लगाना है, इसमें जो है तेल से करने हैं। अब गरम तेल में आप डालोगे तो ये बनकर बड़ा ही स्वादिष्ट लिट्टी तैयार होता है। चटनी के साथ आप खा सकते हैं, बड़ा ही टेस्टी लगता है। और जो खाते हैं तो खाते ही रह जाओगे, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे जो हाँ बहुत अच्छा बना है और बहुत अच्छा स्वादिष्ट लगता है। तो आप ज़रूर ट्राई करें अपने घर में, बच्चे भी खाते हैं तो खाते रह जाते हैं। देख सकते हैं ये पक रहा है, इसको 5 मिनट तक पकाना चाहिए और उलटाते रहना चाहिए, बीच बीच में उसको पलटाते रहना चाहिए जो वो जले ना। देख सकते हैं
इसकी रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है, जैसे लिट्टी हुआ, जैसे ये सत्तू का पराठा हुआ, इस तरह की रेसिपी जल्दी ही बन जाती है। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये पक रहे हैं। आगे मैं दिखा रही हूँ आपको, और भी डालूंगी। इसको तब तक पकाते रहना है जब तक ये लाल ना हो जाए, अच्छे से कलर ना आ जाए। इसका शेप आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसा शेप में आप करना चाहें उस तरह से आप करके बना सकते हैं अपने घर पे, और बड़े ही आसान तरीके से। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट देकर मुझे ज़रूर बताएं, जो आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और जो वीडियो देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अब कलर आने शुरू हो गए हैं, अच्छे से कलर, और फूलने लगी है लिट्टी, लिट्टियाँ फूलने लगी हैं बहुत। और देख सकते हैं ये कलर की, इस कलर की लिट्टी आ जाए उसके बाद लगता है जो हो गया है। देखते हैं फूलने लगी है, अब ये बड़ा ही टेस्टी बनते हैं, खाने के बाद बड़ा ही टेस्टी लगता है, तो घर पर ज़रूर ट्राई करें। इसको हम लोग बिहार में लिट्टी ही लिट्टी चोखा के नाम से प्रसिद्ध है बिहार में ये रेसिपी। तो इसमें जो है चोखा मैं अभी नहीं बताई हूँ इस वीडियो में, अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी चोखा कैसे बनाते हैं। तो ये लिट्टी है, देख सकते हैं गरम गरम। इसमें कलर आ गए हैं, अब देख सकते हैं मैं यहाँ निकाल ली हूँ। देखकर ही मुंह में पानी आता है, तो खाने के बाद कितना अच्छा लगेगा।